हम बात करेंगे हजार्डियस प्रॉपर्टीज का वर्ल्ड वाइड, इट इज कंसिडर्स इट इज़ वेरी डेंजरस, है ना। डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जितने भी हमारे स्टैंडर्ड हैं, इस पर ज़रूर बात करते हैं। इसके बारे में क्या एस टू एस के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे भी एस टू एस होता है, ठीक है, जब एक्सकेवेशन करते हैं और कहीं नियर द सीवेज लाइन पे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज एस टू एस, है ना, ये है क्या। जनरली हम लोग जानते हैं रिफ्रेशमेंट है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, हम ये टॉक्सिक भी है, हाईली टॉक्सिक कह सकते हैं, हाईली टॉक्सिक्स, ठीक से। फिर हम कह सकते हैं कलरलेस भी है, मतलब इसे कोई कलर वगैरह नहीं होता है, कलरलेस भी होता है। कहते हैं कोरोसिव भी, कोरोसिव मतलब नोचनी उचनी से ऐसे समझिए कि आपका इचिंग करता है, है ना, कोरोसिव भी है। और फ्लेमेबल भी है, फ्लेमेबल मतलब ये ज्वलनशील भी है, हाईली फ्लेमेबल है, ठीक है। तो जनरली ये गैसेस जो होते हैं ये सबसे जनरली हम लोग जानते हैं रोटेन एग्स जानते हैं, सड़े हुए अंडे के जैसा इसका। और ये पॉइजन भी होता है, हम जैसे हाली टॉक्सिक है ना, ये पॉइजन ही बोल सकते हैं। जहरीला भी होता है, फ्लेमेबल भी होता है, कोरोसिव भी होता है, कलरलेस भी होता है, हाईली टॉक्सिक। ये एक तरह प्रॉपर्टीज़ हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, ठीक है। ये डैमेज करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक को, जनरली डैमेज कर देता है। जो ये लीडिंग काउज है द वर्क रिलेटेड इंजुरी, ये भी लीडिंग काउज हम कह सकते हैं। ये हाइड्रोजन सल्फाइड नोन एज कह सकते हैं एज ए सोर गैस, कहाँ सीवियर गैस, इसको कई नाम से जाना जाता है, डिफरेंट नेम से हम बोल सकते हैं, आईडी बोल सकते हैं। पहला नाम हम बोल सकते हैं डी हाइड्रोजन सल्फाइड, सोर गैस भी बोल सकते हैं और सीवर गैस भी बोल सकते हैं। सीवर गैस मतलब आप हम कह सकते हैं कि सीवर में मिलता है। जनरली हम लोग नाम लेते हैं स्ट्रेस का ही। ये हमको ये क्वेश्चन हमको याद रहना चाहिए, दैट इज दैट दिस इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर अस फॉर यू सेफ्टी ऑफिसर के लिए। काम कर रहे हैं हमको पता ही नहीं, गैस चेक कर रहे हैं, कुछ कोई फोरमैन पूछेगा क्या जवाब देंगे, समझ गया ना।